जस्ट जस्ट इन टाइम और कंपेटिटिव एडवांटेज कंपनी के लिए लेट्स डिस्कस दैट कि जस्ट इन टाइम कैसे कंपेटिटिव एडवांटेज एक कंपनी को प्रोवाइड करते हैं अगर हम जस्ट इन टाइम इम्प्लीमेंट करें जस्ट इन टाइम बेसिकली फोकस ऑन स्मूथ फ्लो रैपिड थ्रू पुट एंड रिड्यूस्ड इन्वेंट्री थ्रू तेज़ होगी तो आपकी इन्वेंट्री कम होगी स्मॉल लॉट साइज में प्रोडक्शन होगी फास्ट uh, uh, आपका थ्रू पुड होगा और uh, आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस uh, होगी मटेरियल उस वक्त चाहिए होता है जब उसकी जरूरत होती है जैसे हमने पहले अभी डिस्कस किया और उसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री मिनिमाइज हो जाती है अगर यूनिट्स ठीक और डिफेक्टिव यूनिट्स आप रिसीव करेंगे तो प्रॉब्लम फ़ौर ही आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि जैसे ही आपने ज़रूरत पड़ी आपने उसका ऑर्डर किया था और वो डिफेक्टिव निकले आपका सिस्टम बंद हो गया तो इसका मतलब है कि देर इज़ सम प्रॉब्लम इन सिस्टम जिसको फ़ौर रिमूव किया जाता है होता यह है कि इसकी वजह से पूरा के पूरा सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है तो उसके लिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट टोटली एलिमिनेट करना पड़ता है तो जो सिस्टम है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई कर, कर उसको रिमूव किया जाता है प्रॉब्लम्स के ऊपर अटेंशन होते हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जरा भी डिफेक्टिव होगा क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी तो आप कस्ट फ्लो जो है वो उधर ही शट डाउन हो जाएगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो प्रॉब्लम्स अकर ना करें और उसको फिर रिमूव किया जाता है आ, जो वेस्ट को हम एलिमिनेट करते हैं तो जो इन्वेंट्री है वो रिड्यूस होती है वेरिएबिलिटी रिड्यूस होती है थ्रू पुट इम्प्रूव होती है तो उस बेसिस के ऊपर आपके जस्ट इन टाइम एक कंपनी को एडवांटेज uh, प्रोवाइड करता है कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करता है ऑन इट्स कंपेटिटर्स। तो उसकी वजह से यू कम अप परफेक्ट प्रोडक्ट एवरी टाइम और uh, उसके अंदर कभी भी uh, अगर जस्ट इन टाइम को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी क्योंकि एलिमिनेट हो जाती है तो क्वालिटी Uh, जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वही क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही होती है uh, ये लेट्स लुक एट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड के जी उसके अंदर हमारी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो uh, कैसे ये जस्ट इन टाइम देता है कंपनी को फॉर एग्जांपल जस्ट इन टाइम रिक्वायर्स के सप्लायर्स जो हैं uh, वो हम रिड्यूस करें नंबर ऑफ सप्लायर्स यूजली सप्लायर्स जो होते हैं जस्ट इन टाइम के अंदर बहुत कम सप्लायर्स रखे जाते हैं क्यों क्योंकि दे आर कंसिडर टू बी पार्टनर्स आर पार्टनर्स उसके अंदर ये नहीं होता कि आप एक सप्लायर को दूसरे सप्लायर के साथ लड़ाई कर करा कर कीमत कम करें क्योंकि अगर सप्लायर कीमत कम कर रहा है तो उसने प्रॉफिट बनाना है तो वो फिर प्रॉबली आपके लिए मटीरियल भी इन्फ़ीरियर यूज़ करेगा तो वो सप्लायर के इम्प्रूवमेंट uh, होती है ले आउट इम्प्रूव होता है सेल्स के अंदर ले आउट होता है और उस बेसिस के ऊपर फैमिली ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उसके अंदर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटर्स बेहतर हो जाता है इन्वेंट्री uh, क्योंकि स्मॉल लॉट साइज़ के अंदर प्रोडक्शन होती है तो इन्वेंट्री मिनिमाइज हो जाती है और उसके अंदर Uh, जो uh, क्या कहते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो आपकी बहुत कम हो जाती है सेटअप जो है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं सो दैट स्मॉल लॉट की प्रोडक्शन हो तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट वो मिनिमाइज हो जाती है शेड्यूलिंग uh, जो की जाती है कि इट शुड बी ज़ीरो डिविएशन के साथ हम शेड्यूलिंग करें uh, एक लेवल की शेड्यूलिंग हो सो so दैट जो ऑपरेटर्स हैं वो सारे एक ही लेवल पे काम कर रहे हों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को फॉलो किया जाता है आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जैसे कहा कि अगर मेंटेनेंस रेगुलरली नहीं करेंगे तो इक्विपमेंट आपका जल्दी ख़राब होगा और उसकी वजह से वेरिएबिलिटी सिस्टम में आएगी और वो आ, आ, हमारे लिए नुकसानदेह है क्वालिटी प्रोडक्शन एवरी टाइम ठीक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा ये जस्ट इन टाइम के अंदर एम्प्लॉज एम्पावरमेंट की जाती है कि एम्प्लॉज को दिया जाता है राइट दिया जाता है कि दे कैन शट डाउन द लाइन इफ़ दे फील के कोई प्रॉब्लम उनके वर्क सेंटर में अकर कर रहा है तो दे कैन शट डाउन द होल लाइन और उसके वजह से फिर वो सबका फोकस उस वर्क सेंटर पर हो जाता है कि उसके अंदर ऑपरेटर को हेल्प किया जाए टू जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर सकें तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जस्ट इन टाइम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है और उसके बेसिस के ऊपर जो रिज़ल्ट इसमें निकलता है कि आपके जो क्यूज़ हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं जो रिडक्शन स्पीड की है डिले की वजह से वो ख़त्म हो जाती है ठीक है उसके अंदर एसेट्स फ्री जल्दी हो जाते हैं उसके अंदर आपकी क्वालिटी इम्प्रूव करती है जिसकी वजह से डिफेक्ट जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो कस्टमर ऑर्डर्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे जो कॉस्ट रिडक्शन है बिकॉज ऑफ रीवर्क और जो ये रिड्यूस हो जाएंगे रीवर्क वगैरह और रिटर्न तो उसकी वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी उसकी वजह से आप अपनी प्राइस भी रिड्यूस uh, कर सकते हैं इन द मार्केट कंपीट करने के लिए वेरिएबिलिटी uh, रिडक्शन will reduce the waste and again, it will help in uh, uh, increasing your marketing market share. Rework reduces waste, again, it helps market share. So, on basis of yield karega, wo faster response to the uh, customer and lower cost with higher quality and that is basically the competitive advantage. And this will help you in getting your market, uh, increasing your market share.